भारतीय रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम नई हेल्दी और टेस्टी आसान तरीके से बनने वाले वेजी ब्रेड पकोड़े। इसे मैंने बिना आलू के बिना डीप फ्राई करे कम तेल में बनाई है और आप इसे बहुत आसानी से कम टाइम में बना सकते हैं। ये खाने में आलू वाले ब्रेड पकोड़े से ज़्यादा हेल्दी है, तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। वेजी ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बेसन लिया है। आपको इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर और पानी डालकर इसका पतला बैटर तैयार किया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। जब आपका बैटर इस स्टेज पे पहुंच जाए तब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी मिक्स करें। फिर इसमें मैंने चॉप करे हुए प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और चॉप्ड धनिया को बैटर में डालकर इसे उतना पतला करेंगे ताकि बैटर ब्रेड पे चढ़ जाए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह का बैटर होना चाहिए। अब नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा तेल डालकर उसको चारों तरफ अच्छे से फैला लें। और जब तेल हल्का गरम हो जाए तो एक ब्रेड का पीस बैटर में अच्छे से डीप कर लें और सारी वेजेस अच्छे से ब्रेड पे लगाकर लो फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। बीच बीच में ब्रेड को फ्लिप करते रहें ताकि वो एक साइड से जले नहीं। ये देखिए हमारा बिना आलू वाला ब्रेड पकौड़ा रेडी है। अब फिर से पैन में थोड़ा सा तेल डालकर ब्रेड को बैटर में अच्छे से डीप करें और सब्जियों को ब्रेड पे लगाकर गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। ये देखो आप हमारा ब्रेड पकौड़ा कितना सॉफ्ट बना है और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें आलू का इस्तेमाल नहीं है और तेल भी बहुत कम यूज किया गया है। तो आप इसे एक बार जरूर बना के ट्राई करें। आप इसे केचप या हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। हरी चटनी बनाने का लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है।
अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।